हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आकांक्षा इन वन चैनल। और मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ मावा के पेड़े। तो आप लोग बताइएगा कैसे लगे। ये सचमुच बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और घर में बनाया है तो इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल शुद्ध तरीके से घर में बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, पेड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध लिया है फुल क्रीम, और साथ में मैंने यहाँ पे चीनी ली है। तो चीनी का मैंने कोई नाप नहीं लिया है, ये 1 कटोरी के करीब है। और अगर मुझे ज़्यादा लगेगी तो मैं इसमें से कम कर दूँगी। और ये है हरी इलायची के दाने, और इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें ये दूध डाल देते हैं हमने, जो 2 लीटर दूध रखा है। तो उसके बाद में इसको हम गर्म होने देंगे, और ध्यान है इसको लगातार चलाते रहना है, जिससे कि हमारा दूध जो है कढ़ाई में लग ना जाए। तो और देखिए, यहाँ पे दूध हमारा काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि एक कढ़ाई भर के रखा था और देखिए लगभग ये एक हिस्सा इसका कम हो गया है। और इसको लगातार ऐसे चलाते हुए इसको धीमी आंच पर हमें उबलने देना है, और चलाते रहेंगे। और देखिए, दूध उबलते उबलते बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। और इसके ऊपर जो भी मलाई पड़ती है उसको हमें ऐसे चलाते हुए इसे मिला देना है अच्छे से। तो इसको चलाते हुए और हम पका लेंगे इसके सूखने तक। और देखिए, सारा दूध जो है उबल करके और ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, और ये बिल्कुल खोया बन गया है। खोया कह लें या फिर मावा कह लें, जो भी आप कहते हैं। तो इसको आप किसी भी मिठाई में, किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होममेड खोया तैयार है बिल्कुल शुद्ध तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पर पेड़े बना रही हूँ, तो मैं आगे इसमें और चीज़ें जो डलती हैं वो डालूँगी। तो इसको हम पहले इस तरीके से फेंट लेंगे अच्छे से, और फेंटने के बाद में इसमें फिर हम डालेंगे चीनी। और चीनी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया है इसमें से। और उसके बाद इसको अच्छे से हम मिलाएंगे, और इसको ऐसे फेंटते हुए मिलाएंगे, जिससे इसमें जो छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं तो वो दाने फूट जाएंगे और एक अच्छा सा पेड़े के लिए हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। देखिए, चीनी डालने के बाद ये बैटर फिर से पतला हो गया है। तो इसको थोड़ी देर ऐसे हम चलाते हुए इसको भूनते रहेंगे ऐसे ही। और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं इलायची कुटी हुई, और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसको हम थोड़ी देर और रखेंगे, करीब 5 मिनट के आसपास। और ये बिल्कुल तैयार है अब पेड़े बनाने के लिए। तो इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। देखिए, हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो गया अच्छे से। तो अब इसके हम चलिए पेड़े बना लेते हैं। और इसके लिए हम थोड़ा सा मिक्सचर यहाँ पे ले लेंगे, और इसको फिर गोल करके और हथेलियों पे इस तरीके से हम पेड़े बना लेंगे। और साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो इसी तरीके से हम और पेड़े बना लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, सारे पेड़े मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। और इस प्लेट में थोड़ी जगह कम पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने दूसरे प्लेट में भी इसको रख लिया है। और उसके बाद इसको हम 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे ये थोड़े हार्ड हो जाएं। और ये बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाया है मैंने। आपने देखा कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं, कुछ भी केमिकल नहीं है। तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आप लोग कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। बाय बाय।